वहीं वाराणसी में अब 4 वंदे भारत ट्रेन चल रही है और ऐसे में उनकी सुरक्षा को लेकर रेल प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। रेल प्रशासन ने फैसला लिया है कि जो भी ट्रेन को क्षति पहुंचाने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ट्रेन सुरक्षा के लिए हमारे जो ट्रेन के अंदर है जीआरपी आरपीएफ स्टाफ स्कॉटिंग करते हैं, साथ में ट्रैक के किनारे भी जीआरपी और स्टेट पुलिस की टीम लगी रहती है। पिछले दिनों कुछ घटनाएं हुई हैं, इसके संबंध में जीआरपी और स्टेट पुलिस को अवगत कराया गया है और वो स्पेशल मॉनिटरिंग करके इसकी पुनरावृत्ति न हो ऐसा पूरा प्रयास किया जा रहा है। वाराणसी में पिछले दिनों में कुछ ट्रेनें विलंब से चल रही थी, पर अब वाराणसी के स्टेशन डायरेक्टर का दावा है कि ट्रेनों का जिस तरीके से समय है उसी आधार पर ट्रेनें चल रही है। थोड़ी बहुत विलंब जरूर हो रही होगी पर ट्रेनों को समय से चलाने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरी तरफ वंदे भारत जैसी ट्रेनें जो लगातार बनारस को मिल रही है उन ट्रेनों की सुरक्षा पर भी लगातार सवाल खड़े हुए हैं। पिछले दिनों में जब से पत्थर फेंकने की घटना आई या फिर उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में ट्रेन को डिरेल करने की कोशिश की गई अपराधियों द्वारा, इन सभी चीजों पर भी वाराणसी में स्टेशन डायरेक्टर का कहना है कि जीआरपी और आरपीएफ को अवगत करा दिया गया है और सुरक्षा की दृष्टि से पूरा काम किया जा रहा है कि कहीं से भी यात्रियों को ट्रेन में यात्रा करने के लिए उन्हें पूरी तरह से सुरक्षा महसूस हो इसके बारे में पूरा ध्यान दिया जा रहा है और ऐसी कोई गतिविधि न हो इसके बारे में पूरी तरीके से रोकथाम की जा रही है। साथ ही ट्रेन के अंदर जीआरपी और आरपीएफ के जो जवान हैं वो लगातार पेट्रोलिंग करते रहते हैं और किसी भी ऐसे हादसे को अंजाम देने के लिए जो भी आपराधिक तत्व कोशिश करेंगे उन पर कड़ी कार्रवाई भी की जा रही है, साथ ही यात्रियों की सुरक्षा पर भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ 8 वाराणसी।